हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैयद सौबान और आप देख रहे हैं जागरण जोश डॉट कॉम। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं आज के करंट अफेयर से, उसका सही जवाब क्या होगा और उससे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। हाल ही में किस देश ने बिना NOC के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है? तो सही जवाब है श्रीलंका। तो आपको बता दें कि श्रीलंका ने बिना NOC के विदेशी की शादियों पर रोक लगा दी है। सुरक्षा कारणों से श्रीलंका ने ये अनिवार्य कार्य किया है। नया कानून 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हो जाएगा। रजिस्ट्रार जनरल विरासेकरा ने 18 अक्टूबर को जारी किए गए एक सर्कुलर में कहा कि ये फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है। सर्कुलर के मुताबिक संबंधित अधिकारियों ने विदेशियों के साथ श्रीलंकाई नागरिकों, यानी कि जो श्रीलंकन सिटीजन्स हैं, उनकी शादी से उत्पन्न होने वाले सुरक्षा खतरों को लेकर चर्चा की है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में निम्न में से किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? सही जवाब है केरल। तो आपको बता दें कि नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में केरल स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में सबसे आगे है, जबकि उत्तर प्रदेश इस सूची में सबसे नीचे है। केरल ने सभी मानकों पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे पहला स्थान हासिल किया है। नीति आयोग के चौथे स्वास्थ्य सूचकांक यानी हेल्थ इंडेक्स 2021 में 2019 और 20 में केरल पहले पर, जबकि तमिलनाडु दूसरे पर और तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। ये रिपोर्ट नीति आयोग के सरकारी थिंक टैंक द्वारा बनाई गई है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन। हमारी वेबसाइट jagranjosh.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। हाल ही में किस पूर्व राजनयिक को देश का नया उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार यानी डिप्टी NSA बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विक्रम मिश्री। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन को लेकर खास विशेषज्ञता रखने वाले पूर्व राजनयिक विक्रम मिश्री को देश का नया उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NSA बनाया गया है। वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को रिपोर्ट करेंगे। चीन के साथ मौजूदा संबंधों के मद्देनजर उनकी नियुक्ति को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी मिश्री चीन में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं। मिश्री विदेश मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी समेत कई पद संभाल चुके हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। आधुनिक युग के डार्विन कहे जाने वाले अमेरिका के किस प्रकृतिवादी का हाल ही में 92 साल की आयु में निधन हो गया है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, ईओ विल्सन। तो आपको बता दें कि आधुनिक युग के डार्विन समझने जाने वाले अमेरिकी प्रकृतिवादी ईओ विल्सन की 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे सांस्कृतिक मामलों के बजाय अनुवांशिकी विज्ञान में ज्यादा रुचि लेते थे और उन्हें प्राकृतिक इतिहास व उसके संरक्षण के लिए दुनिया के अग्रणी लोगों में माना जाता था। उन्होंने ब्रिटिश प्रकृतिवादी डेविड एटनबरो के साथ मिलकर काम भी किया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? सही जवाब है ऑप्शन डी, हरभजन सिंह। तो भारत के दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने 24 दिसंबर 2021 को सोशल मीडिया पर अपने संन्यास का ऐलान किया है। हरभजन सिंह ने अपना पहला टेस्ट मैच 1998 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। हरभजन 2007 में T20 और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के सदस्य भी थे। IPL में हरभजन के नाम 163 मैच में 150 विकेट दर्ज हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ताओं के कॉल और इंटरनेट इस्तेमाल का रिकॉर्ड कितने वर्ष रखने का आदेश दिया है? उसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 वर्ष।
तो आपको बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए ग्राहकों के कॉल रिकॉर्ड और इंटरनेट इस्तेमाल की जानकारी को स्टोर करके मिनिमम अवधि को 1 साल से बढ़ाकर 2 साल कर दिया है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने अपने सर्कुलर में कहा है कि लाइसेंसधारी नेटवर्क पर आदान प्रदान किए गए कम्युनिकेशन के रिकॉर्ड के साथ सभी कमर्शियल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड, एक्सचेंज डिटेल रिकॉर्ड, आईपी डिटेल रिकॉर्ड को बनाया जाएगा। ऐसे रिकॉर्ड सुरक्षा कारणों से लाइसेंसकर्ताओं द्वारा जांच के लिए कम से कम 2 वर्ष के लिए संग्रहित किए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2022 और 23 में भारत की GDP वृद्धि दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? सही जवाब है ऑप्शन सी 8.2%। दोस्तों आपको बता दें कि बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2022 और 23 में भारत की GDP वृद्धि दर 8.2% रहने का अनुमान लगाया है। अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी ने कहा है कि कोविड वैक्सीनेशन की निचली दर को और कोविड-19 का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन ग्रोथ के लिए अनिश्चितता पैदा कर सकते हैं। अलग अलग सेक्टर्स की बात करें तो बैंक ऑफ अमेरिका का अनुमान है कि कृषि वानिकी और मत्स्य पालन क्षेत्र की ग्रोथ रेट अगले वित्त वर्ष में 3.5% रहेगी। ये चालू वित्त वर्ष के 4% से कम है। अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बताना था। तो सवाल था कि गुड गवर्नेंस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब 25 दिसंबर। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। उनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को पहली बार साल 2014 में मनाया गया था। उन्हें भारतीय राजनीति के सर्वाधिक प्रभावशाली नेताओं में से एक माना जाता है और अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। उन्होंने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज, अब जो कि लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है, उससे स्नातक की पढ़ाई की है। उन्होंने इसके बाद DAV कॉलेज कानपुर से राजनीतिक विज्ञान में MA की डिग्री प्राप्त की है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल वो जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26 दिसंबर 2021 को किस शहर में ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, पटना, रांची या फिर लखनऊ। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।